Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi. You are watching Sanvi Non-Stop. The guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो टाइटल जो है ना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सजेशन आई थी, वीडियो नहीं अभी तक देखी मैंने. अब पता नहीं इसके अंदर क्या वो बताते हैं. इंडिया कोल्ड ड्रिंक्स मेकिंग हाइजीन वर्सेस पाकिस्तान कोल्ड ड्रिंक्स मेकिंग हाइजीन. अच्छा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा हाइजीनिक वे के अंदर बनाई जाती है, या पाकिस्तान के अंदर कोल्ड ड्रिंक जो है वो ज्यादा हाइजीन के साथ बनाई जाती है. देखते हैं कि कंपेरिजन होने जा रहा है दोनों कंट्रीज का कोल्ड ड्रिंक बनाने के अंदर, कि साफ सुथरा तरीके से कौन जो है वो कोल्ड ड्रिंक बनाता है. बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दे. कोल्ड ड्रिंक जो है ना, एक जहर होता है, ठीक है. एक तो इसके अंदर चीनी इतनी ज्यादा होती है, और कोल्ड ड्रिंक किसी कोई भी डॉक्टर है ना आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा. कोल्ड ड्रिंक आपकी आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. मैं तो छोड़ दी हुई हूँ भाई कब से. तो क्या है कि एक तो आप अगर स्मार्ट और ये सारी चीजें रहना चाहते हैं ना, जवान स्मार्ट, तो आप जरूर जो है इन चीजों को फॉलो करें. और मुझे बार बार अब आ रहा है, मैं आज बाजार गई थी, नेल पॉलिश ली तो यहाँ पे भी लगा ली, तो मैंने यहाँ पे भी लगा ली. वो जैसे चेक नहीं करते कलर, तो अब बार मैं तब तो चेक कर ली, तो अब मुझे इतना अजीब लग रहा है. मैं वो हाथ बार बार ऐसे आते हैं ना. तो ये मिनी फैन यार, तुम लोगों को पता ना गर्मी कितनी ज्यादा, क्या करूं. अभी तक गर्मी जो जान छोड़ ही नहीं रही. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तुम लोगों ने कर देना. सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी. तो चले गए इस वीडियो की तरफ, चलते हैं. जैसे ही मौसम गर्मा आता है तो लोग ठंडे मशरूबात पीना पसंद करते हैं. ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स के कारोबार में कई गुना इजाफा हो जाता है, जिसको देखते हुए ये कोल्ड ड्रिंक भर रहा है कि तेल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर मिलावट शुदा मशरूबात बनाते और गैर कानूनी तरीके से बाजार में बेचते हैं, जिससे उन मशरूबात का इस्तेमाल करने वालों को अनगिनत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. मैं तो पहले नहीं थी पीती, और जो थोड़ी बहुत पीती थी, अब इसके बाद वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ अफराद कोका कोला के नाम से मिलावट शुदा मशरूबात. ये पाकिस्तान की है. इस वीडियो के मुताबिक एक शख्स को कोका कोला के लेबल्स के साथ प्लास्टिक की बोतलों में मशरूब भरते हुए देखा जा सकता है. देखो कैसे भर रहा है वो. और यही हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उसको सर्व करते हैं. आई पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वेस्ट भी किया ना फूड अथॉरिटी वाले. सबके पसंदीदा मशरूबात जिनको पीने का कोई मौका लोग हाथ से जाने नहीं देते. खानों के साथ तो बहुत गुमान है कि ये ड्रिंक्स बिल्कुल असली हैं, तो जनाब जिगत थाम लें, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं. ये जाली मशरूबात तो ऐसी महारत से तैयार होते हैं कि असल कंपनी के माहिरीन भी जांच नहीं कर पाते. बकरे की मां कब तक खैर मनाती. बिल आखिर मकरू धंधा करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ ही गए. डायरेक्टर ऑपरेशन आयशा मुमताज ने इंकशाफ किया कि मुजरे सेहत मशरूबात की कई फैक्ट्रियां सील कर चुके हैं, और जो छुपे बैठे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे. हमारा वहाँ पे भी फोकस है जहाँ पे इनको सप्लाई हो रही है. अभी हमने रमज़ान से कुछ दिन कबल भी ब्लो फोल्डिंग मशीन, जहाँ पे ये बोतलें पहले खाली तैयार की जाती हैं और वहीं पे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग दर्ज कर दी जाती है बोतल की फिलिंग से पहले, हमने वहाँ पे भी शेराकोट में 3 फैक्ट्रियाँ ये पकड़ी. फूड अथॉरिटी हुकाम ने अपने इस अज़म को दोहराया कि वो मुआशरे की रगों में जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटे. ये बात फिर भी नहीं आना. महबूब मलिक के साथ आफ्ताब मुताबी, डॉन न्यूज, लाहौर. सीधा कबरा गेर लाओ ये तक जी, ये ड्यू तैयार पे होनी जी, सस्ती थे असली स्ट्रिंग आ गए जी, जड़े हर बच्चे ऐसे नफी बनी है. ओह माय गॉड, ये मशीन जी. हाँ भाई, की नाम है तेरा? माल पे तैयार हो गए तो सीधा आना पे ज्यादा दानी. सालों ने पोत्रो क्यों पे मारने हो पाकिस्तान है वहाँ है. पाकिस्तान का मतलब क्या जी, कुछ मिले जो बेच पा. ए गड्डी पूरी तैयार हो गई जा रही जी. वाह भाई वाह,
बोतल बड़ी खुशी ना मारने जानी थे कि आनंद मार मार एक ग्लास और मार ये देखो कितनी भैन यकी है ते नौकरी सारी कच्ची है कारखाना ना पाए ड्यू ना दो नंबर बनाने वाला जिस ड्यू स्ट्रिंग हाँ जी वाह भाई वाह नकोल पाकिस्तानी बड़े तेज हो ये तको ना बड़ा बड़ा कारखाना ना पाने भाई है ना अब इंडिया का एक ऑक्सीजन के थ्रू बनने वाली एक फैक्ट्री है ये इंडिया के आपको अभी बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह के फैक्ट्री में सिर्फ ऑक्सीजन से प्रोसेस से ये तैयार होता है और आगे वहाँ तक जाता है और इसमें ये हाथ भी लगाते हैं सारा मशीन ही दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ बरेली की बहुत ही फेमस फैक्ट्री जो कि यूपी की बहुत ही बड़ी एक फैक्ट्री है कोका कोला फैक्ट्री जहाँ पर कई ब्रांड बनाए जाते हैं जैसे कि किनले का पानी जो आप लोगों ने अधिकतर पिया होगा बहुत ज़्यादा पिया जाता है इंडिया में किनले पानी की बोतल अगर पी होगी तो वो ब्रांड बनाया जाता है और बहुत ही फेमस जो है माजा आपने सुना होगा माजा का ब्रांड पूरा वहाँ बनता है कोका कोला बनता है लिम्का बनता है तो पूरी फैक्ट्री दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ अंदर कैसे प्रोसेसिंग होती है कैसे काम चलता है और कितना हाइजीन का ध्यान रखा जाता है दोस्तों तो सारी चीज दिखाऊंगा वहाँ फैक्ट्री है परसाखेड़ा में तो बहुत ही शानदार और काफी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों काफी अच्छी स्तर पे जो है काम हो रहा है और काफी दूर दूर जो है इसका माल जाता है और दिखाता हूँ दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग हम लोग आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर तो हमने सबसे पहले देखा कि बेल्ट पर कैसे लिम्का जो है चेक हो रही है लिम्का की बोतल मशीनें चल रही है और चेक हो रही है सफाई चेक करो और चेक यहाँ से आगे मशीन में प्रोसेसिंग होगी ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं और यहाँ से देखिए बोतल चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है बोतल में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग उसके बाद इसमें फिलिंग होना स्टार्ट होगी और ये देखिए दोस्तों बेल्ट कैसे चल रही है यहाँ पर तो कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तीन बॉटल आ गई यहाँ से हटा दी जाएंगी क्योंकि ये जो है कोई डिफेक्टेड बॉटल्स हैं इनको हटा दिया गया है यहाँ से कैसे चल रही है अंदर मशीन आ रही है ये देखिए दोस्तों अंदर मशीन के अंदर का नज़ारा देखिए और ये देखिए दोस्तों मशीन के अंदर ये घूम कर जा रही है फिर इसमें अंदर फिलिंग होगी और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जहाँ पर माजा जो है वो भी दिखाऊंगा आपके लिए और दोस्तों देखिए पूरी बेल चल रही है मशीन कितने तेज काम कर रही है लगभग एक मिनट में 400 बॉटल जो है बनाई जाती है यहाँ पर और रिसाइकिल भी की जाती है दोस्तों रिसाइकिल का मतलब ये है कि अच्छे से धोकर और उसको दोबारा से फिलिंग कराई जाती है तो दोस्तों आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे आपको दिखाने वाला हूँ जो माजा का जो टेट्रा पैक होता है छोटा पैक होता है वो भी यही बनाया जाता है दोस्तों तो थाईलैंड से उसका पेपर आता है और वो फैक्ट्री लगी हुई है मशीन लगी हुई है जो वो पूरा एक सेक्शन अलग है और उस सेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले हमें हाइजीन का पूरा पर ध्यान रखना पड़ेगा उस जगह पे जाने के लिए प्रॉपर हाइजीन जो भी साथ में सब लोगों ने पहले पैर में ये प्लास्टिक की जो है तो ये पहनी है ये देखिए दोस्तों और काफी सिक्योरिटी यहाँ पर क्योंकि हर इंसान की एंट्री पहन के मैंने भी लगाई है और ये मैं पहन रहा हूँ अब सैनिटाइज करेंगे खूब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से और उसके बाद हमारी जो है अंदर एंट्री होगी जहाँ पर माजा का जो छोटा पैक होता है टेट्रा पैक होता है वो पैक हो रहा है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और ये पूरा एसी है दोस्तों काफी अच्छा है और बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गंदगी नहीं मिलेगी बिल्कुल सफाई से अंदर एंटर हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर गेट पर ही सैनिटाइजर लगा हुआ है अंदर एंटर होंगे तो सब लोगों को हाथ पहले सैनिटाइज करना है कि अगर हम लोग कहीं पर भी हाथ लगाते हैं या कुछ भी छूते हैं तो कोई भी चीज जो है इन्फेक्टेड ना हो जरा सी भी देखिए दोस्तों ये मैंने भी हाथ जो है सैनिटाइज कर लिए हैं और अब हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं और देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार ये प्लांट है देखिए तो ये है दोस्तों माजा बनाने की मशीन और टेट्रा पैक जो बनता है छोटा पैक माजा का वो इसी मशीन के थ्रू बन रहा है ये देखिए दोस्तों और जो ये पेपर है पैक करने वाला जिसमें ये पैकिंग होती है ये देखिए दोस्तों ये अभी दिखाते हैं आपके लिए
तो ये पेपर है दोस्तों, ये टेट्रा पैक के लिए ये पैक होके इसमें माजा जाती है। तो ये पेपर है, इसी पेपर थाईलैंड से ये पेपर आता है और फिर यहाँ पर ये देखिए इसको पूरा चौकोर किया जा रहा है। ये मशीन देखिए, इसको बिल्कुल अभी पिचका हुआ था, इसको चौकोर करके सांचे में डाला जा रहा है। ये फिलिंग हो रही है इसमें, अंदर माजा की फिलिंग हो रही है, अंदर भरा जा रहा है माजा और इक्वल क्वांटिटी में भरा जा रहा है। ये देखिए पूरा मशीनरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से ये बनाई जा रही है माजा और किस तरह से ये बेल्ट पे चल रही है, कैसे कैसे क्वालिटी चेक हो रही है। देखिए दिखा रहे हैं कि कहाँ पर फिलिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिलिंग हो रही है, पूरा भरा जा रहा है माजा का पैक। और आगे दिखाता हूँ आपके लिए, ये बेल्ट पूरी चल रही है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आगे पूरा प्रोसेस होके यहाँ से ये जो गोल गोल जो बेल्ट चल रही है, इस बेल्ट में आएगा और इस बेल्ट में आने के बाद ये पूरा पैक हो चुका है। पैक होने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है और इसमें बारकोड जो है नहीं लगा है। अब इसमें आगे स्कैन होके बारकोड लगेगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर पूरा मशीनों के थ्रू क्वालिटी चेक और हर चीज़ चेक हो रही है, क्वालिटी क्वान्टिटी किस तरह से जो है पैक हो रहा है। ये बारकोड जो है इसमें ये लगा दिया गया है। ये देखिए पूरा इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और कब एक्सपायरी होगी, तो ये सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। ये देखिए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है ये, काफ़ी चलता है माजा। और आपने देखा ये छोटा पैक से कैसे बन रहा है, तो ये पूरा बरेली में ही प्रोसेस हो रहा है और काफ़ी लोगों को शायद पता भी ना हो क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। देखिए कितनी तेज़ी से मशीनें काम कर रही हैं और लगभग एक मिनट में 400 से 500 पैक बन जाते हैं, 400 पैक लगभग बनते हैं एक मिनट में। ये देखिए पूरा पेटियों में से निकाल के इसको इस तरह से और इसमें एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं इस प्रोसेस के बाद आगे क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस होने के बाद ही जो है आगे निकलती है पूरी माजा और पैक होकर निकलती है। ये देखिए दोस्तों, इस साइड से मशीन देखिए किस तरह से काम हो रहा है। और हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइन चल रही है, ये बार कोड लगने के बाद यहाँ से आगे की साइड में ये लाइन चल रही है। हम लोग और अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है प्लांट और अब हम लोग और अंदर एंटर होंगे। ये देखिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ये देखिए माजा जा रही है अंदर, पूरा चैन चल रही है और अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये देखिए माजा की लाइन पूरी चल रही है यहाँ पर और ये लाइन जब पहुँच रही है आगे, आगे इसमें और प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ दोस्तों, किस तरह से ये लाइन चल रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए और देखिए कितने जो है आगे बढ़ के ये जो है पैक हो रही है। और देखिए अब इसमें जो है प्लास्टिक वगैरह से ये पैक होगी, जो आप इसके ऊपर पॉलीथीन लगी होती है वो पैक होगी और साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉ भी लगाई जाएगी। अभी देखिए ये स्ट्रॉ लगाई जा रही है, ये देखिए स्ट्रॉ ऊपर से आ रही है पूरी बैरल से और इसमें साइड से ये देखिए ये लगा दी गई, इसमें स्ट्रॉ लग चुकी है और स्ट्रॉ कुछ इस तरह से लगाई जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। लगकर ये जो है लाइन पूरी आगे चल रही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे साफ सुथरा का टेट्रा पैक जो है आगे की तरफ बढ़ चुका है और आगे अब एक और मशीन में ये एंटर हो रहा है। ये देखिए काफ़ी प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरह से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री का अंदर का जो है माहौल कैसा है। ये देखिए तो अभी देखिए पूरा पूरा यहाँ पर जो है पैक होगा और एक पूरा पेटी टाइप की यहाँ पर बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों ये पूरी पूरी लाइन बना के ये 50-50 पीस की या जो भी पीसेस हैं यहाँ पर उनकी ये लाइन बनाई जा रही है और उस तरह से यहाँ पर इसको पैक किया जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए पेटी में पैक हो गई है दोस्तों, कोई खुद उसको टच भी नहीं कर रहा है, पूरे पूरे इस तरह से पीस के निकल रहे हैं। ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। अब आप देख सकते हैं नजारा पूरा, एक प्लास्टिक और होता है मेरे ख्याल से। देखिए अब ये पेटी जो है यहाँ पर पूरी पॉलीथिन में पैक हो रही है। ये देखिए पॉलीथिन लग गई इसमें, पॉलीथिन लगने के बाद ये पूरा पैक बढ़िया करके हो चुकी है। देखिए कुछ इस और पैक होने के बाद अभी भी ये बेल्ट पर चल रही है और बेल्ट पर चलने के बाद ये कुछ इस तरह से इसको इकट्ठा करके और इतनी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों के थ्रू इनके पूरे पूरे चट्टे लगाए जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग और कितनी बड़ी मशीनरी है। और देखिए ये कोका कोला की पेटियाँ लगी हुई हैं क्रेटों को और अंदर जब चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये
लिम्का की प्लेट पेटियां हैं और यहाँ पर लिम्का की जो है देखिए बॉटल्स पूरी सफाई करी जा रही है उनकी, पूरी रिसाइकिल की जा रही है बढ़िया करके। रिसाइकिल का मतलब ये नहीं है कि दोबारा बनाई जा रही है, लेकिन उनको अच्छे से क्लीन अप किया जाता है। ये देखिए सारी बॉटल्स हैं और ये देखिए पूरा बेल्ट चल रही है, इसी प्रकार से कुछ काम हो रहा है। और कितना बड़ा प्लांट है दोस्तों, आप लोग देखिए कितना शानदार प्लांट है। तो अभी ये सारी बॉटल जो है बेल्ट पर चल रही हैं और वन बाई वन इनका भी प्रोसेस होता है। पहले धुली जाती हैं, खूब अच्छे से धुली जाती हैं, क्लीनअप की जाती हैं और फिर इनका चेकअप होता है, पूरा चेक की जाती है कि कोई टूटी तो नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले। और उसके बाद पैक होकर जा रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जिसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो थी इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार इतना सफाई का ख्याल जो है मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा कि जो है वो होता है, और फर्स्ट टाइम ही मैंने कोई ऐसी फैक्ट्री देखी जहां पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर क्या है कि घर घर के अंदर इन्होंने दो नंबरियां लगाई होती हैं फैक्ट्रियां, और फिर लोगों को जो है ना वही फिलअप कर करके जो है वो भर के दे रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है ये अभी पिछले माह की ही बात है कि एक पूरी फैमिली की डेथ हो गई, डेट एक्सपायरी था जूस और इन्होंने ऊपर डेट उसकी ठीक डाल दी थी, ठीक है। और बट जब लैब के अंदर गया तो पता चला वो डेट जो थी एक्सपायरी डेट थी, वो जहर पूरा जो है वो बन चुका था जूस जो उस फैमिली ने पिया। और बाद में एक बहुत जाना माना गोरमे ब्रांड है पाकिस्तान का, तो क्या हुआ कि उन्होंने वहां से जो है वो अपना वो सफर में जाते लोग होते हैं अक्सर, बच्चे जिद भी करते हैं, तो उनके भी बच्चे ने कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो जूस वगैरह पीना है, तो वो पूरी फैमिली ने वहां से जो है वो जूसेस वगैरह खरीद लिए। खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो अभी 5-10 मिनट ही हुए थे उनको जूस पिए कि उनकी उल्टियां हालात खराब उनके होना शुरू हो गए, और फिर क्या था इन द एंड पूरी फैमिली की जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने वहां से पैटिस भी ली थी, पैटिस के अंदर छिपकली का जहर पाया गया। मतलब पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा दो नंबरियां खाने के अंदर हो रही है ना, खुद के तो ये होता है कि गवर्नमेंट और हुक्मरान ये जो बड़े बड़े अफसर है ना, खुद थोड़ा सा इनको जुकाम भी हो जाए ना, लंदन अमेरिका इंग्लैंड वहां पे जाके इनके इलाज होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुछ भी फैसिलिटीज गरीबों के लिए जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। और एक खाना होता है, बोटल्स होती हैं, ठीक है, अक्सर लोग पीते हैं, वैसे तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बोतलें नहीं पीनी चाहिए, बट क्या है कि जब बोतल ऐसी मतलब लोगों का दिल करता है वो पीते हैं, फिर ये जहर बन चुका होता है, ठीक है। जैसे अब ये जिस मतलब गंदे हाथ थे उस आदमी के जो फिल कर रहा है, और वो जो उसने रखी हुई थी कुप्पी सी जिसके साथ वो फिल कर रहा था वो भी गंदा, और उस जगह पे भी इतना गंदा था, और गंदा सा टावल उसने उस टब के अंदर रखा हुआ था। पहले तो मैं कभी कभी थोड़ा पी लेती थी, बट आज के बाद भाई इससे नो टू कोल्ड ड्रिंक। तो इंडिया की अगर बात करें यार, इंडिया के अंदर देखो उन लोगों ने हैंड सैनिटाइज किए, और वो जो है प्रॉपर अब कैप भी सर पे पहनी सर्जिकल, और उसके बाद अपने पाँव के ऊपर भी जो है वो, अब मुझे नहीं पता उसका नाम नहीं मुझे आता, वो शॉपर से जो है वो भी चढ़ा लिए उन्होंने, और इतना मतलब उधर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। मैंने नहीं देखा किसी को कि वो पकड़ पकड़ के बोतलें रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिल कर रहा है, वहां मशीनें रखी हैं। थाईलैंड से जो है वो माजा का पेपर आता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, कैटरीना की वो एड आती है ना माजा की, तो यार वहां पे अगर जो चीज वो दिखाते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं, क्वालिटी जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड की जाती है। फिर इंडिया दुनिया के कोई भी आप ले लो मुल्क, वहां पर जो है वो इंडिया की चीजों जो है वो मानी जाती है, सच मानी जाता है कि अगर शैम्पू तेल या कोई चीज इंडिया की प्रोडक्ट है ना, हाँ भाई इसको यस कर दो, ठीक है, क्योंकि पता होता भाई इन्होंने क्वालिटी के ऊपर काम किया है। और हमने क्या किया, हम कह रहे क्वांटिटी पे काम करो, ज्यादा बनाओ चाहे लोगों को जहर ही पिलाओ। तो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और ऐसी वीडियोस जो है वो जरूर लोगों तक भी शेयर किया करें ताकि उनको पता भी चले और पाकिस्तान के अंदर ये सब गंद हो रहा। तो चलिए गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, ड्यू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।